जो कि भविष्य के हमारे टोकन धारक है, और इसका ये मतलब है कि ये कंपनी भी समुदाय का हिस्सा है, यानी ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन उसी समय पे मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो दिलचस्प चीजें हैं जो कि क्रिप्टो उद्योग से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, और इसके बारे में हमने अप्रत्यक्ष रूप से भी बताया है, जहाँ मुख्य जो हमारा केंद्र बिंदु है वो बैंकिंग प्रणाली पे है, और जो क्रिप्टो सिस्टम है वो एक बहुत ही मुख्य ऐसा बिंदु है जहाँ पर इसका जो मूल्य है वो बहुत ही ज्यादा है। और लोग जो हैं वो क्यों इस प्रकार के जो टोकन हैं वो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारे अगले वक्ता हैं, इसके लिए हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। जी हाँ, ये हमारे अगले वक्ता हैं जो कि बहुत ही महान पेशेवर हैं। पेशेवर रूप से इन्होंने क्रिप्टो उद्योग में कार्य किया है। ये निर्माता हैं सीएलसी और सीईओ हैं, ये 8-1 के संस्थापक हैं, ब्लॉकचेन और व्यापार सलाहकार हैं। शायद हो सकता है आपने इन्हें पहले कभी ना देखा हो मंच पर, हो सकता है कि आपने कुछ सम्मेलनों से आप हाथ की तो बैठे हो, या आपने वहां पे इनको ना देखा हो, पर हम आपको बताना चाहते हैं ये काफी क्रिप्टो उत्साही व्यक्ति हैं। तो अलेक्सेंडर जी, ये मंच हम आपको प्रदान करते हैं, कृपया करके जल्दी से आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं और ये मंच हम आपको सौंपते हैं। सभी को नमस्कार, क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो मुझे ये जानना है हमारे मॉडरेटर सब कैसे हैं। तो मेरा नाम अलेक्सेंडर है और मैं यहाँ ब्लॉकचेन में ही हूँ, ब्लॉकचेन में काम करता हूँ, और साथ ही गणित के अंदर भी मैंने कार्य किया हुआ है काफी। और मेरा जो पहली नौकरी थी वो बिटकॉइन के साथ थी, क्रिप्टो में थी, और उस समय पे मैंने ना इस उद्योग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। और फिर मैंने आगे के सालों में थोड़े से गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने अपने घर में माइनिंग के साथ इस पे कार्य करना शुरू किया, और मैं आईटी व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन क्या है और ये जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो लगातार काफी लंबे समय से ये प्रचलन में है, और विश्व के अंदर कुछ बहुत ही पारंपरिक ऐसे प्रणालियां हैं जो कि ग्राहकों के लिए अब लाभप्रद नहीं रहे और उनको बदलने की जरूरत है। जैसे अगर आप बैंक के अंदर अपने धन को रखते हैं तो अंत में आपको कितना मिल जाता है? आपको ज्यादा तो नहीं मिलता, आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। और इसी तरह से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसी कई तरह की क्षमताएं हैं जो आपको हर तरह से लाभान्वित कर सकती है। और मैं ये जानता हूं कि 2000 से कई कंपनियों ने अपने टोकनों का निर्माण किया है, ब्लॉकचेन के ऊपर अपने व्यवसाय को चालू किया है, और ब्लॉकचेन कंसल्टिंग के अंदर भी उन्होंने काम किया है। और तब मैंने भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, और वहीं से आगे बढ़ते हुए हमने हर तरह से जो भी मेरी कलाएं हैं, आर्ट है, उसको हमने डिजिटलाइज किया और कंसल्टेंसी को मैंने अपनी आगे बढ़ाया। देखिए, जो ब्लॉकचेन है ना, उसके अंदर आपके पास योग्यता होनी बहुत जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, और ये इसी चीज के बारे में है। तो जो पिछले 3 महीना है उसके अंदर मेरी मुलाकात वैलेंटीन और मिला से हुई, हमारी आपस में बहुत ही बढ़िया चर्चा भी हुई, और वहां से हमने आके काम करना शुरू किया। बहुत अच्छी हमारी चर्चा जो हुई उसके आधार पर, और मैं सच बोलूं तो वो जो भी कर रहे हैं ना वो मुझे बेहद पसंद आया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो फिनटेक लाइसेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने ये बताया कि वो इसका निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये जो फिनटेक लाइसेंस है ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप चाहे तो स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर इसे कर सकते हैं, वहां पे आपसे ना बहुत ऊंचे दाम का शुल्क लिया जाता है फीस के रूप में, और 15,000 यूरो तक का भी बैंक अकाउंट, मतलब अपने आप में ये बेवकूफी वाली बात है, बहुत बड़ी संख्या है। तो जो टोकन है आप उसका निर्माण करते हैं, जिसका लोग विकास करते हैं, उसके पीछे अगर गणित खड़ा हो तो तब उसका जो
जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो आपको कुछ सिर्फ इसलिए टोकन बनाना है, टोकन बनाने के नाम पे टोकन ना बनाए, बल्कि टोकन बनाए जिसका एक मूल्य हो, जो कि समुदाय हर जगह आप उसका उपयोग कर सके, हर इकोसिस्टम में उसका उपयोग कर सके। तो एक और स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं FNT टोकन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और हम गंभीर रूप से बात करते हैं। जो टोकन वितरण है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये 2 बिलियन टोकन, ये कुल सप्लाई है इसका, लेकिन इसमें से जो 50% है वो लॉक्ड अप रहेगा और ये कभी सार्वजनिक बाजार को नहीं देखेगा। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं हम और गहराई से बात करें, तो इसके लिए हम एक प्रश्नावली का सत्र और हम आयोजित कर सकते हैं। मगर यहाँ फिलहाल जो मुख्य मुख्य केंद्र बिंदु है, हम केवल उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी मशीनरी कैसे काम करती है। तो ये एक तरह की ट्रेजरी है जो कि अपने आप में लॉक्ड रहेगी, और बाकी जो हिस्सा है उसमें हम आपको तरलता प्रदान करते हैं, जो कि आपको स्वचालित रूप से अपनी कहानी के बारे में बताता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको ये जो समुदाय है इसके अंदर आप देखें, जो ज्यादातर जो टोकन है जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे, जहाँ पे लोग सार्वजनिक रूप से इस पर ट्रेडिंग कर पाएंगे, तो लोग ना सामान्य रूप से इस संख्या में केवल 20% को ही आवंटित करना चाहता है। और मुझे ऐसा इतना पसंद नहीं आता, मुझे लगता है कि अगर सभी लोग जो ट्रेड करें तो लोगों में एक डर ना हो, एक चिंता ना हो कि इसका जो है वो मूल्य पे ब्याज लगेगा या चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। तो देखिए, ये एक ऐसा मंच है जिसको आप दैनिक रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही हमने इसमें बर्निंग मैकेनिज्म को जोड़ा है, जिसकी वजह से ये समय की धारा पे चलते हुए ये टोकन की संख्या कम और कम होती जाएगी, और जो कंपनी है वो इसको दोबारा से खरीद भी कर सकती है, यानी बाय बैक भी कर सकती है। तो ये जो टोकन है, आपको बस फंडिंग के नाम पे टोकन का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि टोकन का निर्माण तब करना चाहिए जिसके ऊपर सभी लोग विश्वास कर सके, उसको एक उपयोगिता की तरह आप इस्तेमाल कर सके पूरी मशीनरी के लिए, कि वो अच्छे से संचालन में आ सके। तो चलते हैं अंतिम स्लाइड पर। हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग डेबिट कार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता है डेबिट कार्ड जो है वो पहले से ही ग्लोबल यूनिट में है, आपको पता ही है ये बात, पर हम इस चीज को कैसे और दिलचस्प बना सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे पास 5 विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड हैं। हम इसके सभी जो दर हैं, जो शुल्क है, कितने का ये रखता है दाम, और क्या इसका श्वेत पत्र रहेगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो ब्लैक डेबिट कार्ड है, काले रंग का जो डेबिट कार्ड है, ये अपने आप में एक अनन्य रूप से इसको रखा गया है, ये सबके लिए अभी नहीं है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनके पास डेबिट कार्ड होते हैं। आप crypto.com पे जाएं, वहां पे भी आप अपने डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। आप ग्लोबल यूनिट पे जाइए, वहां पे भी आप अपने डेबिट कार्ड को खरीद सकते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना, इसके लिए कृपया अगली स्लाइड पे चलिए। हम यहाँ पर एक वैल्यू सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, ये अलग शब्दावली है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल संपत्ति है हम उसको पहचानते हैं, उसके अस्तित्व को समझते हैं। 1 लाख के करीब आप ये मान लीजिए कि ये संख्या है, जहां जो क्रिप्टो है सभी लोग बेचना नहीं चाहते। हर किसी को पता है कि फिलहाल जो बाजार है वो पतन की ओर चल रहा है, गिरावट में चल रहा है, पर फिर भी लोग सब कुछ नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मान लो इसका मूल्य बाई चांस अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी अगर खराब हो गई और मुझे $40,000 की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने बिटकॉइन को क्या बेचना चाहेंगे? शायद आज आप नहीं बेचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 6 महीना या साल या शायद और समय पे आगे चलते हुए, क्योंकि सभी लोग गणित के रूप से अगर देखें तो आप जानते हैं कि बिटकॉइन का मूल्य कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए उसे कोई भी बेचना नहीं चाहता और उस पर कोई भी सट्टा या जुआ नहीं खेलना चाहता है जिसके पास बिटकॉइन है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे डिजिटल एसेट को पहचानते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमें धन की आवश्यकता है, आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है प्राप्त करना, और आप अपनी तरफ से सतर्कता से चलते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं
कि हम आपके डेबिट कार्ड के लिए आपको मनी लोन दे सकते हैं, तो आप 1 लाख के लिए 55,000 को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अपने कार्ड को बेचे। तो जो आपके डिजिटल एसेट है उसको लोग पहचाने और उसके आधार पर वो आपको धन दे सके, और बदले में आपको अपनी डिजिटल संपत्ति को बेचना भी ना पड़े। तो ये चीज अपने आप में आपको काफी सुकून पहुंचाएगी, क्योंकि मैं भी अपने डिजिटल एसेट को नहीं बेचता हूँ, अपनी डिजिटल संपत्ति को नहीं बेचता हूँ। तो ये जो डिजिटल संपत्ति है आपको बिना बेचे इसको लोन मिल सकता है अगर, तो ये कैसा रहेगा? अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा मूल्य होगा जो आपको FNT टोकन के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले जो FNT है उसका एकीकरण करना, हर बार जब भी आप उपयोग करें लोन प्रणाली का, मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप पे बैक उसे करें, लेकिन FNT टोकन के रूप में पे बैक करें, और अगर आप FNT टोकन के रूप में उसका भुगतान करेंगे तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बार जब भी आप FNT टोकन का इस्तेमाल करेंगे उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भोजनालय जाता है या गाड़ी खरीदने जाता है और अगर उसका भुगतान वो FNT टोकन के माध्यम से करता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस मूल्य का क्या होगा, मूल्य में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। तो अब हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उबाऊ है, लेकिन उबाऊ मैं तब ये बोलूंगा कि अगर आप जिस तरह से अभी भुगतान कर रहे हैं शायद वो तरीका अपने आप में थोड़ा सा उबाऊ है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जो क्रिप्टो सेवाएं होती हैं लोग उसके इर्द गिर्द समाधान ढूंढते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के साथ काम नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता कि कैसे एक वॉलेट का निर्माण करें, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे धन को बेचें। लोग कई बार स्विफ्ट और आईबैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो अपने आप में ठीक भी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास अचानक से एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे आपके पास अपना डिजिटल एसेट है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तविक जीवन में डेबिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी प्रस्ताव देते हैं जिसमें आपकी रुचि होगी, क्योंकि आप दैनिक रूप से अपने डिजिटल संपत्ति पे धन कमा सकते हैं, और दूसरे हाथ से जो लाभ आप प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से आप भुगतान आगे कर सकते हैं, और आप तब भुगतान कर सकते हैं जब आपका मन करे भुगतान करने का। तो मेरे लिए ये एक इस प्रकार का समाधान है जो कि क्रिप्टो बाजार से जुड़ा है, और दूसरा ये ऐसा समाधान है जो सभी के लिए बना है, क्योंकि इस दुनिया में 99% लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता ही नहीं है, और 99.9% लोगों को इससे भी ज्यादा जो गहरी प्रौद्योगिकी की जो जुड़ी हो सकती है इससे, उसके बारे में उनको कोई भी कुछ ख्याल नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है। तो जो फिनटेक लाइसेंस है उसके माध्यम से आप बैंकिंग के साथ जुड़ सकते हैं और बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो टोकन है उसका धीमे धीमे गणित के साथ समय की धारा पे चलते हुए मूल्य बढ़ेगा, और एक ऐसी प्रकार की प्रणाली बन जाएगी जहाँ हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा, और हर हर वो व्यक्ति जिसे शायद ना भी पता हो कि ब्लॉकचेन का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी इसका उपयोग कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 50 अलग अलग मंचों की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने अलग अलग उपयोगिता बिलों के लिए भुगतान करते रहें, बल्कि अब आपके पास एक ही मंच होगा दैनिक रूप से जहाँ पे आप धन भी कमा रहे हैं, आपको ब्याज भी मिल रहा है, आप स्टेक भी कर रहे हैं फिनटेक टोकन को समय की धारा पे चलते हुए, और आप उसका उपयोग कर रहे हैं हर उस चीज के लिए जिसका आपका मन करता है। तो अब हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। इसके साथ साथ और क्या इसको दिलचस्प बना सकता है, हम इसके साथ साथ सदस्यता को भी जोड़ते हैं, और इसमें आपके पास हर जगह पे FNT टोकन है यूटिलिटी के रूप में। तो जो FNT टोकन जो है आप उसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और इसके कुछ अपने अपने फायदे हैं जिसके बारे में हम भविष्य में आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप इसकी सदस्यता लेते हैं तो सदस्यता के भी अपने फायदे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप प्लेटिनम के सदस्यता ले लेते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा और ज्यादा ब्याज मिल सकता है पूरे साल के अंदर, और व्यक्तिगत रूप से मैं इसे लोगों को नहीं देना चाहता जिनके पास खुद के पास मिलियन डॉलर है। अब
जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास $10,000 है तो जो प्लैटिनम है उदाहरण के लिए, उसके अंदर आपको 12% F&T टोकन के अंतर्गत स्टोर करना होगा। इसका मतलब आपको आपके पास अगर एक विशिष्ट संख्या है तो उससे आप योग्यता प्राप्त कर लेते हैं प्लैटिनम की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास 5,000 है चाहे 1,000 है, हर किसी के लिए ये सरलता से उपलब्ध हो, हमारी ये कोशिश है। और वो लोग जिनके पास ये प्रणाली है वो F&T टोकन का उपयोग कर सकते हैं। तो F&T टोकन कहाँ से मिलेगी? कंपनी से। तो जो कंपनी है वो उसे बेच नहीं सकती है, क्योंकि हर हर चीज समुदाय को दी गई है और सार्वजनिक बाजार को सौंपी गई है, इसलिए लोगों को खरीद भी समुदाय से या सार्वजनिक बाजार से करना होगा। तो अगर कोई भी प्लैटिनम सदस्यता लेना चाहता है तो उन्हें ऑन बोर्ड आना होगा और वो डेबिट कार्ड ले सकते हैं जिसका वो दैनिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लोग कहें कि हमें F&T टोकन के माध्यम से भुगतान करना है, तो इसके लिए जो भी वॉल्यूम है उसको आप अर्जित कर सकते हैं, उसे जनरेट कर सकते हैं। आप केवल एक टोकन का निर्माण नहीं कर रहे और बस धन को अर्जित नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में भूल नहीं रहे, क्योंकि हर कोई इस प्रणाली से जुड़ा हुआ है और हर कोई समझता है कि इसका मूल्य क्या है और ये भविष्य में कहाँ पहुंच सकता है, इसका मूल्य कितना आगे बढ़ सकता है। तो हर व्यक्ति जो है स्वयं को अनुकूल बनाता है इसके लिए, और धीमे धीमे जो क्रिप्टो समुदाय है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये सभी के लिए बनी हुई एक ऐसा मंच है जो सभी के लिए बना हुआ है। तो कौन इसे बेचना चाहेगा? तो आप इस टोकन को कब बेचेंगे? आप इसे जब इसे सार्वजनिक बाजार से लगातार खरीद इसकी चल रही है, तो कौन इसे बेचना चाहेगा? ये आपके ऊपर, अगर आप तब भी बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेचिए, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं इसे क्यों बेचूं और कब बेचूं, क्योंकि इसका मूल्य अपने आप में काफी बड़ा होगा। तो मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड में बताया था कि धीमे धीमे ये बस आगे बढ़ता चला जाएगा और ये जो कंपनी है यकीनन धन कमा रही है और डेबिट कार्ड भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको जैसे बताया गया है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ के इसका निर्माण किया गया है और हर व्यक्ति जो कि हर कंपनी जो हमारे साथ जुड़ती जाएगी उन सभी को अपनी अपनी लाभप्रदता प्राप्त होगी। हर किसी के लिए ये एक फायदेमंद प्लान है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो राजस्व आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो इंटरेस्ट F&T के रूप में आप उसका भुगतान ही नहीं कर सकते कि धीमे धीमे F&T का मूल्य बढ़े और आपको उसमें फायदा मिले, बल्कि आप पब्लिक एक्सचेंज से इसको खरीद के इसको बर्न कर सकते हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा? ये पूर्ण रूप से पारदर्शिता है इसमें और आपको हर कोई देख पाएगा कि लगातार कैसे इसका जो मूल्य है वो धीमे जो इसकी संख्या है जो इसकी संख्या है वो कैसे धीमे धीमे कम हो रही है, यानी ये कैसे धीमे धीमे बर्न आउट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे डेबिट कार्ड है जहाँ पे F&T का उपयोग होता है, ये भी एक प्रकार की ऐसी कार्यक्षमता है जहाँ पे जो F&T टोकन है उसको आप सार्वजनिक बाजार से खरीदते हैं और वो एक सकारात्मक दबाव बनाता है मूल्य पर। तो जो कंपनियां हैं उनके पास टोकन नहीं है, उनको उस टोकन को बर्न करना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कंपनी वॉलेट नहीं कहलाया जाता है, उसे एक्स वॉलेट कहा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग भी आगे भविष्य में करेंगे और ये आगे कहाँ जा सकता है, कितना ऊपर बढ़ सकता है, आप ये सोच सकते हैं गणित के आधार पे। अगर आप गणना करते हैं सही से तो आप इसके बारे में ठीक से समझ पाएंगे। तो अब हम अगली स्लाइड पर आ गए और आइए छोटी सी तुलना करते हैं, खास करके वो लोग जो कि क्रिप्टो बाजार के बारे में जागरूक हैं। हो सकता है आपने इन कुछ कंपनियों के नाम को पहले से सुना हो। इन सभी में अपनी अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपस में मेल खाती हैं और इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम को अच्छे से नहीं किया, जैसे लूना और सेल्सियस ने अपने काम को अच्छा नहीं किया। ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगले सत्र के लिए इस बात को रख देते हैं। अगर किसी की रुचि है इस चीज में तो हम आगे आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप crypto.com पे जाते हैं, जैसे CRU है, CRO है यहाँ पे, वो आपको अपना डेबिट कार्ड देते हैं और उनके लिए आपको एक निवेश कुछ संख्या का करना होता है और फिर वो आपके उस धन को लॉक कर देते हैं 6 महीना के लिए। और
आपको $350,000 का भुगतान करना होता है। ये एक ऐसा मूल्य है जो ये आपसे मांगते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके धन को कोई भी लॉक नहीं करता है। तो जब आप FNT को कम करते हैं या डिटेक्ट करते हैं अपनी संख्या से, तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है और आप स्वतंत्र होते हैं अपनी डिजिटल संपत्ति का उपयोग करने के लिए। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो भारत है या भारत के अलावा कोई दूसरा देश है, ये बात स्वतंत्रता की है। आपके धन का दूसरा कोई स्वामी नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका अपना निर्णय होना चाहिए कि आप अपने धन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आपका निर्णय चलना चाहिए, आपका चुनाव होना चाहिए कि मैं अपने धन का कहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसको किसी को भी लॉक नहीं करना चाहिए। तो FNT के अंदर हम आपको ये सेवा प्रदान करते हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में आपसे इसके बारे में आगे और चर्चा होगी। मैं आपके जो भी प्रश्न और उत्तर होंगे उसका भी जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद रहूंगा। तो फिलहाल अगली स्लाइड में मैं ये मंच मिला जी को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद। आशा है आप सभी का समय अच्छा गुजरे, आप लोगों से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई और मुझे आशा है आपसे दोबारा पुनः दोबारा मुलाकात जरूर होगी। धन्यवाद है, धन्यवाद है आपका। एलेक्स नमस्कार सभी को, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया करके चैट के अंदर जमा कर दीजिए अगर आपको वाकई में रोमांच महसूस हो रहा है जो भी आपको एलेक्स ने बताया है, तो आप जमा का चिन्ह यानी प्लस का साइन चैट में दीजिए। और पिछले कुछ महीनों से मेरी एलेक्स से मुलाकात हुई है, बहुत ही रोमांच रहा है, उनसे उत्साह मिलता है बात करके। और आप देख सकते हैं जब से वो हमारे साथ जुड़े हैं किस प्रकार से चीजें बढ़ती जा रही हैं, वृद्धि और प्रगति को प्राप्त हो रही है। तो कृपया करके 1 से लेकर 10 तक की गणना में, जहाँ पे 10 नंबर का मतलब है कि मुझे हाँ सब स्पष्ट हो गया है, 10 नंबर चैट में दीजिए। और 1 नंबर दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आप 1 नंबर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछता है आगे, अरे मेरे लिए FNT टोकन के अंदर क्या छुपा है, मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो आप उसे बता पाएंगे कि नहीं, कि इसका भविष्य में मूल्य कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में आप बता पाएंगे कि नहीं? क्योंकि मेरी जो आने वाली स्लाइड है वो आपको अनूठे अवसरों के बारे में बताएगा कि किस प्रकार से हमारी जो चीजें हैं आगे बढ़ने वाली है। अंग्रेजी कक्ष के अंदर भी लोग जो है वो अपना जवाब दे रहे हैं और हिंदी कक्ष से भी लोगों को सब कुछ स्पष्ट है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम और भी ज्यादा सत्रों को आयोजित करेंगे, आपको हर तरह से जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी आप लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा आत्मविश्वास आपको प्राप्त होगा, और जितना आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे अपने भीतर उतना ज्यादा आप इसके बारे में प्रचार कर पाएंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एक साझेदारी में आपको क्या प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो परियोजना है ग्लोबल यूनिट पे से आ रही है, जहाँ पे आपको भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में जो कि ब्लॉकचेन के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे लोगों के लिए बहुत ही भव्य मूल्य छुपा है, जहां एकीकरण भी किया जाएगा बैंकिंग सिस्टम के साथ और उसका एकीकरण क्रिप्टो सिस्टम के साथ होगा। तो अपने आप में ये हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा हुआ एक परियोजना है, और आप सोच सकते हैं कि कितना सकारात्मकता के साथ ये योगदान देने वाला है पूरे पोर्टफोलियो को। तो इसलिए हमारे पास अनन्य लाभ है, हमारी साझेदारी में छुपे हुए लाभ है, और ये जो हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो है और विश्व का नया आर्थिक विकास जो हमारा मिशन है और जो हमारा समुदाय इवोरिच, इन तीनों के बीच में जो साझेदारी है, ये केवल केवल और केवल लाभप्रदता को ही सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं आपको कौन सी ऐसी चीजें जो बेहद पसंद आएंगी। तो सबसे पहले हमारी जो साझेदारी है वो इवोरिच कंपनी के साथ है, और जितने भी लोग इवोरिच के साथ जुड़े हैं उनके लिए सबसे पहला अनन्य प्रस्ताव हमारे नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। और ये जो लॉन्च है ये FNT टोकन का है, जहाँ किसी को भी फिलहाल इस टोकन के बारे में नहीं पता है और लोगों को पहले से ही बड़ी जिज्ञासा और दिलचस्पी है इसके भविष्य को लेकर, लेकिन जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा, और इवोरिच समुदाय के सदस्यों को ये सबसे पहला मौका
दिया जा रहा है। और अगर आपने वैलेंटाइन की स्लाइड को देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि सीमित समय अवधि के लिए ही ये प्रस्ताव आपके लिए मौजूद है और इसके अलग अलग चरण नहीं होंगे जैसे हम सामान्य रूप से परियोजनाओं के लिए रखते हैं। ये केवल एक चरण एक प्रस्ताव का ये ऑफर है जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं और इसी वजह से हमने इसमें श्वेत सूची यानी व्हाइट लिस्ट को जोड़ा है। और मेरा यहाँ ये कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एक श्वेत पत्र होगा और इसका जब टोकोनॉमिक्स होगा हमारे पास, जब हमारे पास वेबसाइट होगी इसके इर्द गिर्द जिसका निर्माण किया जाएगा, तब हम एक बाहरी समुदाय को छुएंगे, उन सभी कंपनियों के पास जाएंगे जो कि वेंचर आधारित कार्य करते हैं जैसे हेज फंड्स हैं, और खास करके वो सभी लोग जब बैंकिंग और क्रिप्टो के साथ जो लोग काम करते हैं। यहाँ मैं एक बार आपको और याद दिला दूं कि वैलेंटाइन कहते हैं कि प्रत्येक जो पूरा संपूर्ण स्विट्जरलैंड है ये एक ऐसा देश है यूरोप में जहाँ लोग बड़े प्रगतिशील हैं क्रिप्टो को लेके, लोग अपने कर का भुगतान क्रिप्टो से करते हैं और ये अपने आप में एक क्रिप्टो देश के रूप में आप इसे मान सकते हैं। और केवल एक ही कंपनी है जिन्होंने अपने लाइसेंस के लिए वहां पे, केवल चार कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस के लिए वहां पे आवेदन छोड़ा है। तो आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड जो है वो इस बात को लेकर प्रसिद्ध है, स्विस वॉच के लिए, सोने के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए और अपने टोकोनॉमिक्स के लिए। तो हम सही जगह पर हैं, सही देश में हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने एक विशिष्ट लाइसेंस का निर्माण किया है जिसके माध्यम से आप अपने समुदाय का विस्तार कर सकते हैं और एक कितना खूबसूरत ये संयोजन है बैंकिंग का, क्रिप्टो का और हमारे समुदाय का, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और इसलिए ये यकीन मानिए एक ऐसा प्रस्ताव है जो इतना आकर्षक है और केवल इस समय हमारे समुदाय के लिए उपलब्ध है। और हम अपनी खुद की विपणन योजना का भी निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं, मार्केटिंग प्लान। और सच बोलूं तो हम पहले सोच रहे थे कि कैसे हमारी नई परियोजनाओं को मार्केटिंग प्लान के साथ कैसे जोड़ा जाए और कितने सारे प्रतिशत हम अपने लोगों को प्रदान कर सके। खास करके आपको पता ही होगा वो सभी लोग जो कि व्यवसाय करने में बहुत रुचि रखते हैं, बड़ा उससे प्यार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो काफी उनमें स्वतंत्रता होती है। जब आप किसी अचानक से अजनबी को दिखाते हैं एक कार्ड और बोलते हैं सुनिए मैं क्रिप्टो कंपनी जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है वहां का मेरे पास ये कार्ड है, मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूँ और जानते हैं मैं इसको सह मालिक हूँ उस कंपनी का, और अगर आप इस तरह से टोकन धारक भी होंगे और सामने वाले को बताएंगे कि इसके आधार पर आप धन कमा सकते हैं और ये अपने आप में इतना दुर्लभ मौका है जो सामान्य रूप से लोगों को नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है अजनबी पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो अगर इस तरह से हम मार्केटिंग प्लान के हिसाब से चलेंगे और चरणों के हिसाब से चलेंगे और साथ ही जो प्रचार हमारे पास है ऐसा प्रचार जैसे मैक्सिमम प्रमोशन है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, जितने भी आप पंजीकरण करते हैं हर वो चीज जिसको भी हर एक व्यक्ति को जो इसको आप हमारे साथ लेके आते हैं उससे आपका स्ट्रक्चर में वृद्धि होगी और साथ ही कई इस प्रकार के प्रचार कंपनी के अंदर होंगे जिसके तहत नए जो परियोजनाओं का लॉन्च होने वाला है उनको भी अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो आप सोचिए इसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम भविष्य में और प्रश्नावली के सत्रों को भी आयोजित करेंगे जहां आपका कोई भी सवाल हो हम बिल्कुल उसका जवाब देना चाहेंगे, और खास करके वो सभी लोग जो कि गहराई से इसके बारे में समझना चाहते हैं, इसके बारे में और विवरण को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से चीजें हैं, खास करके क्रिप्टो दुनिया में कैसे ग्लोबल यूनिट पे काम करता है और कैसे FNT टोकन पहुंचने वाला है, उन सभी के लिए हम नए नए सत्रों को आयोजित करेंगे। तो हम अगले स्लाइड पर आ गए हैं। तो एक MLC उद्यमी होने का मेरे लिए ये मतलब है कि जो भी सुअवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं उसे हम परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। जो भी अवसर हमें मिल रहा है, जो भी पहला अवसर हमारे हाथ लग रहा है जैसे इवोसेंट है या FNT है, मेरे लिए तो ये ऐसा है जैसे जीवन काल में एक बार ही होने वाला अवसर होता है। तो उद्यमी का मतलब है कि आप स्वतंत्र होते हैं अपने आप काम करने के लिए, शून्य से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को अपने साथ जोड़ने में आगे जुट जाते हैं। और अगर आज आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है उसका दर कितना बढ़ता जा रहा है, और खास करके अगर आप पारंपरिक व्यवसायों के बारे में बात करेंगे तो वो धीमे धीमे अपने आप में बहुत जटिल होते जा रहे हैं। अगर आप उसके लॉजिस्टिक के बारे में बात करें या मुद्रा में जो एक्सचेंज है, विनिमय है, उसको लेके भी अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन एक MLCI उद्यमी के रूप में आपको ये पता ही होगा कि प्रत्येक चुनौती जो हमारे सामने आती है वो नए अवसरों को अपने साथ लेकर आती है।
उसी प्रकार से ये एक अनूठा अवसर आपके पास है जहाँ पे आपके पास एक व्यवसाय विचारधारा है जिसको लेकर आप एक व्यवसायी हो सकते हैं। इन सभी परियोजनाओं के बारे में प्रचार करके एक 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 करके, और उसी समय पे कोई भी आपसे नहीं पूछता है कि अरे पहले आप निवेश करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप ऑफिस पहले खरीदिए फिर हम आपके साथ काम करेंगे। नहीं, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप दूसरी देश में जाएंगे, हम देखेंगे कि आप में कितना ज्ञान है, आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं, तब हम आपके साथ काम करेंगे। अरे नहीं, आपके लिए कोई नियम और शर्तें हमारी नहीं है। विश्वास करिए देवी और सज्जनों, जो नए लोग हैं, जो कि नए समुदाय के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मैं बकायदा देख पाती हूँ कि कैसे लोग जो है तलाश में है कि हमें कब नया अवसर मिलेगा, नया मौका मिलेगा, कोई ऐसी चीज जो हमारे जीवन को बदल देगा, कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए, निर्माण के लिए नहीं है कि बस चलो जी आओ एक टोकन का निर्माण करो। नहीं, ये इस बारे में है कि कैसे चीजों में गहराई से उतरे, कैसे सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है, कैसे सदस्यता को जोड़ना है, कैसे मूल्य को बढ़ाना है, ये सभी चीजों को इकट्ठे कैसे एक साथ छोड़ना है ताकि हर स्थिति में हम विजेता बने, ऐसे स्थिति को कैसे निर्माण करना। खास करके एक बहुत ही अनूठा मौका अभी आपके पास है, आप एक नए व्यवसाय का निर्माण कर पा रहे हैं, और दोबारा से आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि नहीं नहीं आप पहले एक योग्यता प्राप्त करें, पहले इस प्रकार की शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करें और तभी आपको इसका मौका दिया जाएगा। नहीं, दुनिया में आप कहीं पे भी हैं, किसी भी देश से हैं, हर कोई ग्लोबल यूनिट पे के बारे में बात कर सकता है। तो जाने कितने सारे पंजीकरण फिलहाल चल रहे हैं, और ये जो प्रक्रिया है बहुत सरल है। भारत से है, अमेरिका से है, अफ्रीका से है, यूरोप से है, न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, इमिरेट्स से है, वियतनाम से है, आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप ग्लोबल यूनिट पे के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। बकायदा आगे चल के आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो अवधारणा एफिनिटी टोकन की है, इसको कैसे एक एक करके जोड़ा जाएगा। जो भी आपने आज अलग से सुना है वो सब कुछ ग्लोबल यूनिट पे के मंच पे आप भविष्य में जुड़ा हुआ देखेंगे, और इसी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत मौका आपके लिए है जिससे आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप आज अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच रहा है कि मैं अपने लिए आय के नई धाराएं कैसे बनाऊं, हो सकता है कि आप निष्क्रिय आय अपने लिए बनाना चाहते हैं, या हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप अपने दैनिक आय को बदलना चाहते हैं किसी ऐसे मौके से जो कि आपके साथ मार्केटिंग का अवसर लेकर आया हो। तो हमारा ये जो मार्केटिंग प्लान है इसमें बहुत ही खूबसूरत चीजें जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले आएगा बस वही कमाएगा, नहीं, इसका ये मतलब है कि आप एक उद्यमी के रूप में निर्णय ले सकते हैं कि कैसे आप अपने व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं, कैसे आप मौद्रीकरण कर सकते हैं, या चलिए मौद्रीकरण को छोड़िए, बल्कि आप कैसे जो भी आपके कनेक्शन है उसका आप इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सामाजिक नेटवर्क पे जा सकते हैं, और आप अपने नेटवर्क में अपनी संरचना का विस्तार कर सकते हैं, और एकदम असीमित आय की धारा आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारा समर्थन हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, ये सभी प्रस्तुतियां जो है रिकॉर्डेड है, और आप बकायदा अपना जो लोकल काउंसिल मेंबर है उनके पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है। तो जो भी प्रचार है, जो भी बोनस हमारे पास है, ये सब कुछ एक साथ जोड़े जाएंगे। यानी जितने भी प्रचार आ रहे हैं एफिनिटी टोकन के साथ, ये सभी हमारे मार्केटिंग प्लान के साथ जुड़े होंगे, ताकि लोग जो है वो सबसे ज्यादा फायदा इससे उठा सकते। चलिए आपको स्लाइड पर चलते हैं और अब सारांश में इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास पांच बड़े ही सरल ये कदम है, ये चरण है, और मुझको लगता है अभी तक आपको पता होगा कि व्यवसाय किस बारे में है। तो यहाँ सबसे पहले आपको यथोचित अपना परिश्रम करने की आवश्यकता है, और सचेत होकर कार्य करने की जरूरत है। अब मैं जानती हूँ कि लोग बहुत जुनूनी हैं हमारी अवधारणा, हमारे मिशन को लेकर। कुछ सालों से लोग हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं पिछले 6-7 सालों से हूँ इस कंपनी में, और लोगों का काफी विश्वास है इस कंपनी में जुड़ा है, उन चीजों में जुड़ा है जिसका भी निर्माण आज तक हुआ है। लेकिन फिर भी आप अपना यथोचित परिश्रम करें, क्यों? क्योंकि ये जो परियोजना है आपके लिए निर्माण किया गया है, तकनीकी रूप से इसका निर्माण हुआ है, एक ऐसी परियोजना है जिसमें आपको अपनी खुद की सोच विचार को जोड़ने की जरूरत है, अपनी समझ से आपको कदम उठाने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपको किसी सामग्री की आवश्यकता है जो बैक ऑफिस में आपको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान दे, जरूर ऐसा करें। अगर अभी तक आप ग्लोबल यूनिट पे के साथ नहीं जुड़े हैं, पंजीकरण नहीं हुआ है, कृपया आज ही करें, ताकि जब भी आप प्रस्तुतिकरण आके लोगों के सामने रखें तो आप लोगों को बता सके ये ग्लोबल यूनिट पे है,
ये वो कंपनी है जो कि इस परियोजना का शुभारंभ और उद्घाटन करने वाली है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि विश्वास का निर्माण करेगी, क्योंकि ये कंपनी पिछले काफी लंबे समय से अस्तित्व में है। न जाने कितनी सारी और कंपनियों के साथ आप जुड़े होंगे, और हो सकता है आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में ही ग्लोबल यूनिट पे ने सफलता से अपने ऑडिट को पूरा किया है, और जो ग्लोबल यूनिट पे है उन्होंने अंतिम रिपोर्ट भी दिया है कि हर चीज बिल्कुल सफाई से, बहुत ही कानूनी रूप से चीजों को ग्लोबल यूनिट पे ने पूरा किया है। तो आप अपना इन सभी चीजों के बारे में जान लीजिए, और अगर दूसरा कदम अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी परियोजना है जिसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, मेरे को याद है जैसे पेपाल है, तो पेपाल में भी मैं एक बारी चाय पी रही थी और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पेपाल भविष्य में क्या कर सकती है। ये उस समय की बात है जब पेपाल अस्तित्व में अभी अभी जन्मा था, और तब से लेके आज में देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो पेपाल है वो क्या डंके की चोट पे कार्य कर रही है, कितना बढ़िया कार्य कर रही है जो पेपाल कंपनी है। तो जो आप वहीं से सोच सकते हैं, हम लोग जो हैं बिल्कुल प्रारंभ में खड़े हैं, हम उस चीज का निर्माण कर रहे हैं जो यहाँ से आगे सफलता के कदम छूने वाली है। लेकिन इस पूरी यात्रा में कई उतार और चढ़ाव होंगे, कई ऐसी चीजें हैं जिनका हमें निर्माण करने की जरूरत है। तो जीयूपी ऑफिस में कल हमारी बैठक हुई है और वहां पे हमने आईटी के बारे में चर्चा की, और हमने ये बात करी कि कम से कम हमें 10 लोगों की आवश्यकता होगी जो कि आईटी के साथ जुड़ी होगी, और ताकि हम हर चीज को सुरक्षित संरक्षित रख सकें। जैसे अगर आप बैंकिंग के बारे में भी बात करते हैं, जानते हैं जब भी आपके पास चुनौती आती है और आपके आपको ये दिखाई दे रहा हो कि सामने बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े हैं जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षमता हो सकती है। इसी तरह से आप क्रिप्टो उद्योग के बारे में जानते हैं, उसकी क्या क्षमता है। आप कल्पना कीजिए बैंकिंग और क्रिप्टो एक साथ एकजुट हो जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं अपने आप में ये कितना भव्य हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से स्विट्जरलैंड में एक बहुत पुराना बैंक है जो कि एक डायनासोर की तरह न जाने कितने लंबे समय से बाजार में खड़े हैं। तो इसी प्रकार से हम नई विचारधाराओं के साथ नई अवधारणाओं को लेकर आते हैं, तो यकीनन जो हमारी राह में जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, वहां पे कई उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और शायद इस कक्ष के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई पाठ्यक्रम ग्रहण किए होंगे अकादमी से। आपको पता होगा कि जितना जल्दी आप किसी चीज के साथ जुड़ते हैं उतना बड़े आपको लाभ मिलते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप जुड़ते हैं उतने ज्यादा उसमें जोखिम भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी राह को तय कर रहा होता है अपने मंजिल तक जाने के लिए, और चुनौतियां रास्ते में आती हैं। तो आपको क ख ग सब समझ में आता होगा, क्योंकि देखिये मैं भी ग्लोबल यूनिट पे का इस्तेमाल करती हूँ अपने भुगतान के लिए, मैं किसी और कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ ग्लोबल यूनिट पे के अलावा। तो अगर आप में जुनून होता है और अगर आपके पास जानकारी होती है और अगर आप सही रूप से सटीक रूप से समझते हैं कि ओ ये प्रस्ताव किस चीज के बारे में है, तो यकीन मानिए जैसे ही व्हाइट पेपर प्रौद्योगिकी हमारे सामने आएगा और जैसे हम सभी चीजों को आने वाले कुछ महीने के अंदर हम जैसे ही सभी चीजों को अंतिम अंजाम तक पहुंचा देते हैं, तो आप देखेंगे ये कहाँ पहुंच जाएगा भविष्य में। क्योंकि जैसे इवो रिच है जहाँ पे केवल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपके पास भुगतान प्रणाली भी जुड़ी होगी, तो अब आपके पास शायद कुछ महीने हैं, शायद कुछ सप्ताह हैं, पता नहीं कितना समय है। आप पूरी कोशिश के साथ इसके साथ जुड़ें, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तीसरा कदम ये है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बात को जरूर साझा करें, क्योंकि जो ये कंपनी है बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रही है, क्योंकि ये फिनटेक और क्रिप्टो आधारित ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकी है। तो आप देख सकते हैं ये चीजें ना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो किसी तरह से तो इस गति के साथ स्वयं की गति बना लेती हैं, और कुछ है जो पिछड़ जाती हैं। तो इसलिए आपको ये भी बता दूं कि जो कंपनी है इसका अपना एक मानचित्र यानी रोड मैप भी है, तो अगर आप ये देखेंगे कि कंपनी आपको क्या दे रहा है और अगर आपको वो
देख के खुशी होगी, तो जरूर जरूर आप इसके बारे में अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें। खास करके अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि टोनी रॉबिन्स और बाकी जो महानुभाव हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। आपको पता चलेगा कि बाजार जिस तरह से चल रहा है उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, अलग अलग नियम और शर्तें चलती हैं। अगर आपको नई नई चीजों को ग्रहण करना है, नई चीजों को समझना है, तो पर फिर भी दुर्भाग्य से हम खुद से सभी निर्णय खुद नहीं लेते, क्योंकि हमारे निर्णयों के पीछे कई बारी राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो भी जुड़े होते हैं कि अब कैसा बाजार होगा, उसके पीछे कई बारी राजनीति भी काम करती है। तो इसलिए आप अपने दोस्तों और परिवारों को इसके सभी चीजों को ग्रहण करने के लिए जरूर बताएं। चौथे कदम में इवो रिच बिजनेस ट्रेनिंग में जरूर भाग लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, किसको कैसे जानकारी प्रदान करूं, तो आपको ये बता दूं कि इवो रिच के अंदर टॉप और लोकल लीडरशिप काउंसिल सदस्य होते हैं, जो कि लगातार आपके साथ जानकारी को साझा करने के लिए उपलब्ध होते हैं, आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल उपलब्ध होते हैं, और आपको हर तरह की जानकारी प्रदान की जाती है कि किस प्रकार से आप इस परियोजना को नए लोगों के सामने सकते हैं। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि कैसे आपको इसके बारे में सटीक ज्ञान हो, इस परियोजना के बारे में, और साथ ही आप कैसे एक व्यवसायी बन सके और लोगों तक इसके बारे में जानकारी को पहुंचा सके। तो मैं यहाँ पे जो MLCI और नेटवर्क मार्केटिंग है उनकी तुलना के बीच में अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी एक आपको सबसे बड़ा भेद बता दूं, वो ये है सेल्स वॉल्यूम। अगर आप पारंपरिक मार्केटिंग कंपनियों को देखेंगे, वो किसी भी अगर उत्पाद को बेचते हैं, चाहे वो चाय का बैग है या कोई सप्लीमेंट है, तो सामान्य रूप से जो मूल्य होता है उत्पाद का, वो बहुत सस्ता होता है। हो सकता है कि $100 हो ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ जो F&T का वाइट लिस्ट है, वहां पे जो डील वैल्यू है वो 6 संख्याओं का मूल्य हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे वाइट लिस्ट के भी उत्पाद हैं जिनको हमने वो रिच में सभी समुदाय वालों के लिए प्रस्ताव के रूप में रखा है, और वहां से ये पूरी संरचना तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि जो अभी मौजूदा संरचना है, लोग हैं, वहीं तक पहुंचेगा, बल्कि भविष्य में और लोगों तक पहुंचेगा। तो इसलिए ये जो डील यानी ये जो सौदे का मूल्य है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है अगर आप इसकी तुलना करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के किसी उत्पाद के सौदा से। आप याद रखें कि जब आपके पास समय सीमा सीमित होती है और काफी सारे लाभ छुपे होते हैं, तो याद रखें कि केवल एक सौदा ऐसा होता है जो आपके लिए लाखों लाखों कमा के आपको दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से कुछ ले जाना, आप ये बात मुझसे ले जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मूल्य जोड़ने वाला मौका है जिसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। केवल मार्केटिंग एजेंसी नहीं जो कि प्रस्ताव को लेके आते हैं, बल्कि लोग जो इसके साथ जुड़ेंगे वो इसका पूरा फायदा, भरपूर फायदा उठाएंगे। तो लोग जो है ना, जो नीचे सबसे ग्राउंड लेवल पे हैं, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। वो सभी मार्केटिंग एजेंसीज नहीं, वो सभी कंपनियां नहीं जिन्होंने किसी प्रस्ताव का निर्माण किया, केवल वही फायदा नहीं उठाएंगे। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कैसे चीजें, कैसे कंपनियां काम करती है। जो आखिरी बिंदु है वो ये है कि अपने लक्ष्यों और सपनों को जरूर पूरा करिए। चाहे इस महीने का आपका कोई लक्ष्य है, आप जो भी जानकारी आज प्राप्त कर रहे हैं FNT के बारे में, आप उसको यहाँ पे जोड़िए। अगर आप किसी संख्या को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी FNT टोकन की संख्या को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि निवेश के बिंदु से ये जो संख्या है ये कल को बढ़ जाएगी, मेरे लिए फायदा होगा, तो चाहे वो हो, चाहे आप किसी संख्या अपने लिए आई की संख्या को सोचते हैं, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए, समय लीजिए और योजना बनाए, और जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं समय अवधि के अंतर्गत, छोटी समय के अंतर, उसके लिए जो भी हम आपको उपकरण दे रहे हैं, जो भी टूल्स दे रहे हैं, आप इसका उपयोग करिए और अपने सभी लक्ष्यों और सपनों को पूरा करें। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद है सभी लोगों को, और मुझे आशा है कि आपको आज के सत्र से जरूर कुछ फायदेमंद अपने लिए प्राप्त हुआ होगा। तो अगर अब आपका कोई भी सवाल है, कृपया करके अपना सवाल जरूर पूछिए। आइडन आ गए हैं, आइडन के साथ एलेक्स भी, अगर आपके किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ आप जुड़िए। धन्यवाद है आपका मिला, वाकई में जो जानकारी आपने दी वो बहुत बहुत बेहतरीन थी, और
आपने हर प्रकार से इकोसिस्टम के सभी भागों को समझाया है, और जो सबसे बड़ी प्राप्ति जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुई है वो ये है कि हम अभी क्षणिक रूप से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं क्रिप्टो दुनिया में, जो कि सफलता हमारी सुनिश्चित करती है, और कुछ ऐसे भी परियोजनाएं होती हैं जो स्थिर होने की जगह पतन की ओर चली जाती हैं। पर हमारी ये कोशिश है कि हम हर तरह से स्थिरता में रहें। अंग्रेजी चैट रूम में एक कमेंट किसी का था, और किसी ने ये पूछा कि क्यों FNT जो है वो CRU से कैसे भिन्न होने वाले हैं। तो देवियों और सज्जनों, बहुत सारे कारण हैं जितने भी हमारे FNT धारक हैं। जब डिजिटल एसेट गारंटी की बात की जाए तो या तो वो अपने टोकन को होल्ड करके रखेंगे, या और इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, ब्याज प्राप्त करने के लिए वो उसको स्टेक करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो FNT को बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो हम ऐसी स्थिति में FNT को वापस खरीद लेंगे ताकि उसका मूल्य गिरने ना पाए। और बहुत सारे पैकेज अभी भी उपलब्ध है आपके लिए। मेरा ख्याल है 10,000 के करीब कुछ ऐसे पैकेज हैं जो अभी बचे हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि अपने आप में ये अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका होगा, जहां केवल आप अपने लिए लाभप्रदता को सुनिश्चित करेंगे। तो क्या रूसी कक्ष में किसी का कोई सवाल है, या हिंदी कक्ष में किसी का कोई सवाल है FNT से आधारित, तो जरूर चैट में पूछिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं लोगों के सवालों का, और जब तक हम आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं कहानी को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो ये जो परियोजना है, इसकी क्षमता बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अद्भुत मौका ये आपके लिए लेके आया है। अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ग्लोबल यूनिट पे एक ऐसा मंच है जो कि 100 वर्षों तक लोगों को मौका देगा, और लोग अपने धन को हमारे साथ बहुत ही सुरक्षित रूप से उपयोग कर पाएंगे। तो FNT आपको हर तरह से ये बताएगा कि कैसे आप धन को कमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जरूर आप लोग ये जो ब्लैक कार्ड है ये भी प्राप्त कर पाएंगे शीघ्र अति शीघ्र। तो एक सवाल आया है किसी का, मार्केटिंग के ऊपर एक सवाल आया है, फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल यूनिट पे है क्या उसका अपना मार्केटिंग सिस्टम होगा? नहीं, अभी नहीं। जो ग्लोबल यूनिट पे है उसका अभी कोई भी मार्केटिंग परसेंटेज नहीं है जो आपको वितरित किया जाएगा मार्केटिंग प्लान के आधार पे, बल्कि जो मार्केटिंग प्लान है वो इवोरिच के हिसाब से चलेगा। तो मार्केटिंग प्लान इवोरिच का होगा जो आप बैक ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप evorich.com पे जाते हैं, अगर आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको मार्केटिंग प्लान देखने को मौका मिलेगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्य किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल ये जो व्हाइट लिस्ट है उसमें आप मार्केटिंग प्लान के हिसाब से धन कमाएंगे, और जब ये FNT टोकन एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वहां पर कोई भी मार्केटिंग प्लान नहीं लागू होगा। तो अगर आप कोई टोकन खरीदना चाहते हैं तो आप सरलता से खरीद पाएंगे, और इसीलिए ये बहुत ही अनूठा मौका है सभी के लिए कि ये साझेदारी हमने की है दोनों कंपनियों के बीच में, ताकि हम मार्केटिंग प्लान का उपयोग कर सकें और जो टोकन है उसको हम मद्देनजर रख पाएंगे, क्योंकि हम मार्केटिंग के सभी फायदे हम संरचना को प्रदान करते हैं।
तो इसी वजह से ये अपने आप में बहुत ही अनूठा मौका है जो कि बहुत ही लघु अवधि के लिए सभी लोगों को प्रदान किया जा रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि ये जो टोकन है ये केवल इस परियोजना के लिए, और सामान्य रूप से जो परियोजनाओं के लिए हम चरणों को लागू करते हैं वो यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ केवल एक ही चरण है। तो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आप पहले चरण में जो भी निवेश कर रहे हैं उसी का आप फायदा उठा पाएंगे, और फिर भविष्य में जब इसके आगे के चरण होंगे तो कंपनियां जो हैं उनके लिए कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होगा, और इसका मतलब सौयो या मिलियन टोकन लोगों के पास तब तक नहीं होंगे जब तक उनके पास सौयो या मिलियन डॉलर ना हो। और इसीलिए हमने ये संतुलित किया है लोगों के लिए, और एलेक्स ने हर तरह से इसको संतुलित किया है। और ये बहुत ही मुश्किल होगा लोगों के लिए कि वो इतना बेच दें टोकन को, इतना बेच दें कि भाई इसका मूल्य ही कम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पैकेज है ये इस तरह से इसका निर्माण किया गया है कि ये जो जबरदस्त गिरावट मूल्य में है, जैसे कि आपने देखा है सीआरयू टोकन के साथ हुआ, वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं एलेक्स? और इसके बाद मैं वैलेंटीन को मंच सौंप दूंगी, और अगर उनका कोई सवाल है तो एक सवाल पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। एलेक्स बोल रहे हैं जो एडन ने कहा है, और मुझे नहीं पता कि आप कैसे तुलना कर रहे हैं सीआरयू के साथ में, लेकिन एक परियोजना क्रिप्टो में उसके अंदर ऐसा चलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्विट्जरलैंड में फिनटेक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो भविष्य में जो डिजिटल संपत्ति है उसमें ज्यादातर क्रिप्टो संपत्ति को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो ये टीयर 1 एक्सचेंज की तरह, अगर आप देखें, हर किसी को बाइनेंस के बारे में पता है ना, तो क्रिप्टो दुनिया के अंदर आपको पता होगा इसके बारे में, या कुकुक्स है या बड़े बड़े जो एक्सचेंज है वहां पे आपको जाने की आवश्यकता होती है, जहां जहां जैसे यहाँ ग्लोबल यूनिट पे के अंदर है उसी तरह से ज्यादा उपयोगकर्ता एक्सचेंज पे होते हैं, जो कि ऑर्डर को खरीदते हैं और ऑर्डर को बेचते हैं। उसके साथ साथ जो कंपनी है वो बाई बैक करती है राजस्व के हिसाब से। जितना ज्यादा आप राजस्व को अर्जित करते हैं उतना ज्यादा एक्सचेंज जो है प्रगति करती है। इसी तरह से FNT टोकन के साथ होगा, जब आप खरीदते हैं और आप टीयर 1 एक्सचेंज पे टोकन का पहुंचा देते हैं, तो जो छोटे टीयर के एक्सचेंज है वहां पे ये लिस्ट नहीं होगा, ये यकीनन वहां पे जाके लिस्ट होगा, सूचीबद्ध होगा जहाँ पे बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि ये जो टोकन है ये ज्यादातर जहाँ पे उपयोगकर्ता होंगे जितना वो लेन देन करेंगे उसी के हिसाब से इसकी मशीनरी स्वचालित रूप से चलेगी, और यही इसकी उपयोगिता है। तो ये किसी बड़े एक्सचेंज का हिस्सा होगा, और इस स्थिति में वैलेंटीन को मंच देते हैं। कृपया हिंदी कक्ष के अंदर आपका जो भी सवाल है चैट के अंदर जरूर रखें। धन्यवाद है आपका अलेक्सेंडर और मिला और एडन इस खूबसूरत प्रस्तुतिकरण के लिए, अपने भाग के लिए। चलिए अब हमारे जो भी सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सवाल यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या हम USDT को ग्लोबल यूनिट पे में यूरोपियन कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं? जी हाँ, तकनीकी रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्ड सेवा प्रदाता जो हैं वो क्वांटम क्लियरेंस हैं, और वो इस समय अपडेटिंग चरण पे हैं, और इस वजह से ये जो सेवा है इसको अभी क्षणिक रूप से निष्पादित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और तृतीय पक्ष की भी कुछ सेवाएं होती हैं जो कि भुगतान स्वीकृति प्रदान करेंगे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, हमारी ये कोशिश है हम आपको एक अवलोकन दे सकें जो ग्राहक हमारे बारे में भविष्य में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने गैर प्रकटीकरण समझौता NDA पे हमने हस्ताक्षर किया, तो इसके बारे में हम सब कुछ अभी नहीं बाहर जाके बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास भविष्य में ऐसे ग्राहक होंगे जो कि निवेश करेंगे
और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कंपनियों को हम प्रस्ताव दे रहे हैं और क्या वो हमें फायदा दे रहे हैं। दूसरा सवाल, रूस के लिए क्या सेवाएं आप दे सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी नागरिक रूस के हैं, रूसी लोग, उनके लिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे कोई कोका कोला है और जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने भी रूस के साथ काम करना बंद कर दिया, तो जो मास्टर कार्ड है वो रूसी क्षेत्र अधिकार में काम नहीं करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके पास ग्लोबल यूनिट पे कार्ड है तो आप रूसी क्षेत्र अधिकार के अंदर इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह से है जैसे आप कूबा में जा रहे हैं, तो कूबा में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप कुछ भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे वीजा मास्टर कार्ड है, शायद आप उसका उपयोग कर सके, लेकिन वो भी आप अगर उपयोग करेंगे तो उसमें भी कुछ सीमाएं अपनी, कुछ बाधाएं उसकी होंगी। और कुल मिला के जो वीजा मास्टर कार्ड कार्य क्षमता के बारे में अगर हम बात करें, अगर उस पे सभी बाधाएं हट जाती हैं तो जरूर अगर लोग जो है वो खरीद कर पा रहे हैं सुपरमार्केट में, ऑनलाइन स्टोर में, या एटीएम से अगर धन को निकाल पा रहे हैं, तो वो सभी लोग जो रूस के अंदर जिनके पास ग्लोबल यूनिट पे कार्ड है, वो सभी लोग शायद अपने ऑनलाइन प्रणाली के लिए भुगतान कर पाएंगे। या अगर आप विदेश चले जाते हैं और अगर आप उसका उपयोग करते हैं अपने देश के बाहर, या आप एप्पल पे या गूगल पे के साथ आकर आप जोड़ देते हैं, तो इसमें एलन कोस्टर के साथ हमारी एक बैठक भी हुई है और हमने उन्हें एक मास्टर क्लास दिखाया। हमने उनको ये बताया कि कैसे आप एक नए वर्चुअल ग्लोबल यूनिट पे कार्ड को खोल सकते हैं, कैसे आप उसको अपने फोन के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये शायद गूगल वॉलेट था तब, तो 1 घंटे के अंदर ही हमने हमारा एक जो खरीद है वो कॉन्टैक्टलेस किया, यानी बिना संपर्क के, यानी ऑनलाइन रूप से हमने किया। तो सच मैं आपको बोलूं तो आलन तो खुशी से फूली नहीं समाई, उन्होंने एकदम इसको टॉप अप किया और इसी के माध्यम से भुगतान भी किया। तो ये रूसी निवासियों के लिए बहुत ही एक फायदे की बात है, जो रूस के अंदर इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आप ये कर पाएंगे। ये आपका जैसे स्टैंडर्ड वीजा या मास्टर कार्ड है, आप उसके साथ ये कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अमेरिका में रहते हैं और अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं यूरोप में जाऊंगा छुट्टी मनाने, तो आपका कार्ड वहां पे काम करेगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड वीजा मास्टर कार्ड है। और अगर आप यूरोप में हैं और अगर आप अमेरिका के अंदर छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप अमेरिका के क्षेत्र अधिकार में यूरोपियन कार्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह वही पेमेंट सिस्टम है, आपका मास्टर कार्ड है या वीसा है। तो मुझे आशा है कि आपके मैंने सवाल का उत्तर दे दिया है। लोगों का और भी सवाल आ रहे हैं। टोकन आधारित कि क्या उसका उपयोग कोलैटरल के रूप में किया जाएगा या नहीं? तो जैसा कि एलेक्स ने कहा है और मैं एक बार दोहरा देता हूं कि ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पे मूल्य के बारे में बात की जाती है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने टोकन का इस्तेमाल एक डिजिटल संपत्ति का उपयोग एक कोलैटरल के रूप में कर पाता है। एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप उधार लिए हुए फंड्स का भुगतान कर पाएंगे। तो 45% आपको याद होगा, ये एक तरह से रिजर्व स्टॉक की तरह काम करेगा, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है तरलता के लिए। अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है तो उनको भी तरलता, लिक्विडिटी मिल सके, उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो ट्रांसफर है ग्लोबल यूनिट पे से बाकी देशों में, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर जो है, अगर आपके पास ग्लोबल यूनिट पे खाता है तो बिल्कुल आप धन को हस्तांतरण कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे खाते में, तब भी कर सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में। मान लीजिए कि अगर उन लोगों का खाता किसी और देश में है, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एजेंट जो है वो ओशियानियन भाग से हैं और लोगों ने बोला कि लोग जो है वो वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करते हुए धन का हस्तांतरण अपने रिश्तेदारों को नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा समाचार ऐसे लोगों के लिए है कि आप ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो क्या किसी और कक्ष से हमारा कोई सवाल है? तो जो टोकन पैकेज परचेज है उसके अतिरिक्त चार्जेस के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो अगर आप सदस्यता के बारे में बात करते हैं,
प्रत्येक विवरण इसके बारे में आपको बताया जाएगा जैसे ही हमारे पास श्वेत पत्र आ जाता है। जैसे FNT जो है वो एक वास्तविक परियोजना है, तो जो मेंबरशिप है, जो सदस्यता है, उसके लिए आप FNT का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। जो सदस्यता है वो आधारित होता है आपके FNT पे और आपके पोर्टफोलियो पे। और साथ ही अगर आप गणना को मद्देनजर, दिमाग में गणित को मद्देनजर रखते हैं, जैसे मान लीजिए प्लैटिनम है, अगर आपके पास कोई भी डिजिटल संपत्ति है तो आपको 10,000 FNT टोकन को होल्ड करना होगा ताकि आप योग्यता प्राप्त कर सकें प्लैटिनम सदस्यता के लिए। लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा और बस टोकन की ही आपसे मांग की जाएगी। इसके पीछे जो विचारधारा सदस्यता को लेके सोची गई है, मिला बोल रही है, वो इसलिए रखी गई है ताकि ये हम सभी लोगों के लिए मुमकिन कर सके। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है विश्व के नए आर्थिक विकास। हम मैं बार बार आपको उसी ये जो अवधारणा है वहीं पे वापस ले आती हूँ क्योंकि यही हमारा मूल है। अब आप प्लैटिनम कार्ड अगर ब्रिटिश एयरवे के बारे में बात करें तो यकीन मानिए देवी और सचिनो, बहुत बहुत धन आपका खर्च हो जाएगा, बहुत महंगा होता है, उसमें बड़े सारे नियम और शर्तें लगी होती है। जो भी आपने पिछले साल किया हो वो इस साल के लिए मान्यता ही नहीं होती उसकी। तो अगर आप प्लैटिनम सदस्यता का हिस्सा होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत 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 धन होने की आवश्यकता है। बड़े नियम और शर्तों को आपको पूरा करना होना चाहिए। बड़े ही अनन्य और विशिष्ट क्लास के लोग ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जो कि प्लैटिनम कार्ड को अपना सकते हैं। और हर व्यक्ति जो इस श्रेणी में जुड़ना चाहे वो प्लैटिनम में जुड़ सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ संख्या है, क्रिप्टो संपत्ति अगर आपके पास है, तो आप अपनी संपत्ति के माध्यम से योग्य बन सकते हैं। अगर आपके पास उतनी संपत्ति है, विशिष्ट संख्या की संपत्ति है, तो आप प्लैटिनम सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और हर वो व्यक्ति जिसके पास प्लैटिनम सदस्यता है वो इस मंच के साथ कुछ विशिष्ट कार्य कर सकता है। और ये जो कार्य क्षमता है ये एक तरह से ऐसे होगी जैसा VIP लोगों को प्राप्त होती है। और लोगों के पास अपना बजट होता है जो जिसका उनको प्रबंधन करना होता है। तो जो भी बजट लोगों के पास होगा ये भुगतान प्रणाली के अंतर्गत, उसी के हिसाब से उनको योग्यता प्राप्त होगी किस सदस्यता के अंदर वो आते हैं। और इसके बारे में काफी विशिष्ट, बहुत ही विवरण के साथ, विस्तार के साथ एलेक्स ने इसके बारे में समझाया है हमें। और मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बहुत बढ़िया है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे आपको और भी ज्यादा ज्ञान दिया जाएगा। जो प्रत्येक सदस्यता है, प्रकार की जो सदस्यता है, उस प्रकार की सदस्यता में आपको क्या क्या मिल सकता है। और ये जो बैंकिंग मंच है ये केवल तभी काम करेगा अगर आपके पास लोग हैं और साथ में आपके पास वॉल्यूम है। हमारे पास नए लोग होने चाहिए, हमारे पास वॉल्यूम होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन जो ग्लोबल यूनिट पे है वो मासिक रूप से प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए भुगतान करता है जिनके पास अपना ऑनलाइन कार्ड है। आप उसके लिए भुगतान नहीं करते बल्कि आपके बजाय कंपनी उसका भुगतान करती है, वो भी प्रत्येक महीना। आप में से वो सभी लोग जिनके पास वर्चुअल कार्ड है, आप क्यों नहीं उसका उपयोग करते? क्योंकि ये एक देनदारी है कंपनी के रूप से और ये आपका अधिकार है कंपनी की ओर से। और अगर आप एक सहमालिक हैं इस कंपनी के तो ये बहुत बहुत बड़ा सौदा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कंपनी के रूप में किसी ऐसी चीज का भुगतान करें जहां पे $100 है या कोई और लेन देन के लिए आप भुगतान करते हैं। तो इसलिए सभी चीजें हमारे समुदाय के साथ कहीं जाके जुड़ जाती है। क्योंकि आप एक सहमालिक जब हो जाते हैं तो आपके पास एक मौका होता है कि आप इसकी लाभप्रदता का पूरा फायदा उठा सके। आखिरकार ये परियोजना आपके लिए बनाई गई है, तो बिल्कुल आप इसका उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। तो एलेक्स कह रहे, मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूंगा। जब हमने ना इस अवधारणा, इस विचारधारा का निर्माण किया, सदस्यता के बारे में जब हमने सोचा, तो हमने ना मार्केटिंग को हमेशा देखा और समाधान ढूंढने के बारे में सोचा। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन ना समय सीमा से परे है, बॉर्डरलेस है। तो मैं ना लोगों से ये नहीं पूछता जो हमारे साथ जुड़ते हैं कि आप कहाँ से हैं। अरे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जर्मनी से हैं, आप भारत से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप चीन से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप अफ्रीका से हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप प्रौद्योगिकी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो यही वापस से इस बात पर हम आ जाते हैं कि $1 की क्या कीमत है। ये
आप सदस्यता $300 की भी रख सकते थे, $3,000 की भी रख सकते थे, लेकिन $3,000 कुछ लोगों के लिए शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा दाम है जहां तक वो शायद पहुंच ही नहीं सकते। ये दुनिया और इसकी अर्थव्यवस्था ना अलग हट कर तरीके से काम करती है, और इसी वजह से हमारी ये कोशिश थी कि हम सभी लोगों को एक ऐसा मौका दें कि जहां वो इसका पूरा फायदा उठा सके। तो इसका जो मूल्य है वो मूल्य इसमें है कि हम लोगों को पहुंच प्रदान करें। हमारी ये कोशिश नहीं है कि हम लोगों के लिए बड़ी बड़ी सीमाओं को खड़ा कर दें, अरे नहीं, हमारा कोशिश है कि हम लोगों को भरपूर फायदा और अच्छा मौका प्रदान कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एडन बोल रहा है मुझे लगता है सभी लोगों के जो सवाल हैं सो पूरा हो गया है, और अगर आज आपका सवाल की पूर्ति नहीं हुई है, आप यकीन मानिए ये जो प्रस्तुतियां हैं लगातार चलती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा भरपूर जानकारी आपके लिए भविष्य में लेकर आएगी। तो ये जो खूबसूरत 3 प्रस्तुतकर्ता हैं हमारे, वैलेंटीन जी, अलेक्जेंडर जी और मिला सर्चकोवा जी, हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे इनके अद्भुत जानकारी प्रदान करने के लिए। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने अपना समय, बहुमूल्य समय हमें दिया, और मुझे आशा है आपका शाम या सुबह बहुत ही आनंदमय बीते। अगर अभी तक भी आपने FNT टोकन तक अपना हाथ नहीं आजमाया है, जरूर इसको, इसका भरपूर फायदा उठाएं। ये मौका जीवन में केवल एक बार होने वाला है, और याद रखें देवियों और सज्जनों कि हमारी जो मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो जो भी बैक ऑफिस है आपका, बैक ऑफिस के अंदर आप अपने टॉप अप कर लीजिए यूनिट के साथ, और अपने अपने आनंद जरूर उठाएं FNT पैकेज खरीद के। धन्यवाद है सभी को। तो देवियों और सज्जनों, इसी बिंदु पर हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे लेती हूँ यहीं विदा। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन, स्वास्थ्य और समय आनंदमय और मंगलमय बीते, इसी की आशा रखती हूँ। धन्यवाद।